हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल दिनेश सर। जैसे कि आप जानते हो, कल ही जो है यूजीसी और होम मिनिस्ट्री ने मिलकर जो मीटिंग लेके एक न्यू गाइडलाइंस रिलीज की, जिससे पूरा हड़कंप मच गया है फाइनल ईयर फाइनल स्टूडेंट्स के बीच में। कहा गया कि सितंबर में एग्जाम लेना कंपलसरी होगा, जबकि महाराष्ट्र राज्य और कई राज्यों ने अपनी फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम कैंसिल कर दिया था। इसके लिए जो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत जी ने मीटिंग लिया था और एक GR भी जारी कर दिया था कि अब महाराष्ट्र के अंदर डिग्री कॉलेजेस के जितने भी फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर है उन बच्चों एग्जाम नहीं देना होगा और उन्हें जो है NOC लेटर देना होगा, उसके बेसिस पर उनका जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन अब ये जो डिसीजन आया UGC का, उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर बहुत ही भय का माहौल आ गया है, सब बच्चे टेंशन में हैं। तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना पार्टी की जो युवा सेना, उसके जो अध्यक्ष है वरुण सरदेसाई जी, उन्होंने जो है अभी लेटेस्ट ट्वीट किया है इस मामले के ऊपर और उन्होंने जो HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं उनको एक लेटर भेजा है। अब क्या बताया उन्होंने, ध्यान से देखो अपने ट्वीट में। उन्होंने इस ट्वीट में कहा है, युवा सेना रिक्वेस्ट HRD मिनिस्टर डॉक्टर RP निशंक जी टू रिकंसिडर @UGC इंडियाज डिसीजन ऑफ कंपल्सरली कंडक्टिंग फाइनल ईयर एग्जाम। वी हैव ऑल्सो रेस्ड कंसर्न ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन फ्रेटर्निटी, होप दीज आर एड्रेस्ड एज वेल। उन्होंने ये लेटर लिखा है और जो RP निशंक जी हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि महाराष्ट्र के अंदर जो एग्जाम कैंसिल करने का डिसीजन लिया गया था और अब ये जो है इसके वजह से बच्चों में बहुत ही भय का माहौल है। आओ देखें वो डिटेल में उन्होंने अपने लेटर में क्या बताया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 7 जुलाई के डेट में लेटर है युवा सेना टू ऑनरेबल श्री रमेश पोखरियाल जी, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ HRD। क्या लिखा है, रेस्पेक्टेड सर, सर होप दिस लेटर फाइंड्स यू गुड। अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग का जो बेसिक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि हमारे जो वरुण सरदेसाई जी, उन्होंने ब्रीफ दिया है कि किस तरह से UGC ने पहले गाइडलाइंस दिया था कि जहाँ पर जैसे इलाके है कोरोना का जैसा प्रादुर्भाव, उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ के मिनिस्टर जो है एजुकेशन मिनिस्टर डिसीजन ले सकते हैं। तो महाराष्ट्र के जो उदय सामंत जी हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिसीजन लेके GR रिलीज कर दिया, ऐसा बेसिक इंट्रोडक्शन इन्होंने स्टार्टिंग के लेटर में दिया है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ये निर्णय आया है कि महाराष्ट्र के अंदर सितंबर में वॉलंटरी एग्जाम्स होने वाली है, इस तरह से स्टार्टिंग के इस फर्स्ट पेज पर पूरा उन्होंने वर्णन किया है। जिनको एग्जाम देना है वो वॉलंटरीली जो है अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसमें आगे जो है उन्होंने और बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो UGC को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट युवा सेना ने कवर किया है कि वेन एग्जाम्स वर ओरिजिनली शेड्यूल्ड कोविड केसेस वेर फार लेस, यानी जब पहले जब मार्च अप्रैल में एग्जाम्स थी तब कोरोना के पेशेंट बहुत कम थे, तब एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड कर दी गई और अब ऐसे में 7 लाख के ऊपर जो पेशेंट हो चुके हैं पूरे इंडिया के अंदर और सितंबर में एग्जाम लेना क्या उचित रहेगा, इस तरह से पहला जो इनका पॉइंट है। इसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट कहा है कि जो बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबिलिटी जो है बहुत ही पुअर है रूरल पार्ट्स ऑफ कंट्री, यानी हमारे देश के अंदर साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर, तो ऑनलाइन एग्जाम जो करने की बात कही गई है वो पॉसिबल नहीं है और ऑफलाइन एग्जाम अगर लिया जाता है तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा है, लोग नज़दीक आएंगे तो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है अपने इस लेटर में कि लाखों स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने फाइनल ईयर के कैंपस राउंड में अपना जो जॉब सिक्योर कर लिया है कैंपस प्लेसमेंट के अंदर, ऐसे में अगर उनका रिजल्ट जो है जल्दी जल्दी जाहिर नहीं होता तो कहीं ना कहीं उन्हें जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जो जॉब मिला है उससे वो हाथ धो बैठेंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया कि जो रेप्यूटेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं और IITs है, इन लोगों ने कम स्टूडेंट होते हुए भी डिसीजन ले लिया था फाइनल ईयर एग्जाम कैंसिल करने का, तो आप लोग कंपल्शन क्यों कर रहे हो फाइनल ईयर एग्जाम्स के लिए। पांचवा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका सेमेस्टर पैटर्न एग्जाम होता है और 3-4 साल की जो डिग्री होती है उसमें लगभग 5 से 7 सेमेस्टर बच्चे दे चुके हैं, तो जो फाइनल सेमेस्टर बचा है 6ठा या 8ठवा उसके पहले ही 85-90% वो कोर्स पूरा कर चुके हैं, तो उसके बेसिस पर अगर रिजल्ट निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है। इस प्रकार से रिक्वेस्ट किया है वरुण सरदेसाई जी जो अध्यक्ष है युवा सेना के, उन्होंने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को और UGC को कि जो महाराष्ट्र में डिसीजन आया है हमारे चीफ मिनिस्टर का उसको फॉलो किया जाए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। स्टूडेंट्स आपको बता दूं UGC की एक मीटिंग होने वाली है, उसमें जो HRD मिनिस्टर है डॉक्टर RP निशंक पोखरियाल जी, उनकी पूरे इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर और मिनिस्टर हैं उनके साथ मीटिंग होने वाली है, एनालिसिस किया जाएगा और देखते हैं इस एनालिसिस में क्या निकल कर आता है। लेकिन महाराष्ट्र में आवाज़ें उठने लगी हैं, बच्चे जो नाराज हैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड हैं टेंशन में, उनकी तरफ से युवा सेना ने आवाज़ उठाई है और धीरे धीरे चल के हमारे जो उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत जी हैं उनकी हमें राह है, उनका ट्वीट क्या आता है वो क्या कहते हैं इसका इंतजार है और इनका डिसीजन अब कैसे क्या होने वाला है UGC की जो बातें हैं
सारे यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो अभी हमारे महाराष्ट्र स्टेट को कन्विंस करना पड़ेगा यूजीसी को और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी जो एचआरडी मिनिस्टर है उनको, ताकि वो एक ऐसा डिसीजन दें कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने सिचुएशन का एनालिसिस करके एग्जाम्स को ऑप्शनल रख सके। ठीक है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं इस सीरीज को कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।